हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं झटपट तैयार होने वाला पनीर बटर मसाला। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमें टमाटर लिए हैं, उसको रफली चॉप किया है, और एक प्याज लिया है, उसको भी हमने रफली चॉप किया हुआ है। बस इसको अभी मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे और पेस्ट रेडी कर लेंगे। डिश बनाने में हार्डली 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, तो इजी बन जाती है। बस इतनी मेहनत है इस डिश को बनाने के लिए, और बिल्कुल भी कोई भी मेहनत नहीं है। बस ये देखिए, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच बटर या घी डालेंगे, बस उसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। उसमें अब हम डालेंगे हमारे ग्रीन चिली, मैंने एक ही ग्रीन चिली डाली। अब उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद उसमें हम डालेंगे टमाटर और प्याज का तैयार किया हुआ पेस्ट और हम उसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद उसको हम लिड लगा देंगे, और लिड लगा के 3 से 4 मिनट्स के लिए से हम मीडियम टू स्लो फ्लेम में भूनेंगे। ये डिश के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं कोहिनूर का पनीर बटर मसाला, जो रेडी टू ईट अवेलेबल है। बस इसको तैयार किया है, कट किया है अच्छे से, और इधर हमारा मसाला भी पक गया है। ये देखिए, हमारा मसाला भी कलर चेंज हो गया उसका। अब इसमें हम हमारा मसाला डाल देंगे पूरा एक पैकेट। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। अब हमारा मसाला भुनेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। आपको कंसिस्टेंसी अगर ज़्यादा करनी हो तो ज़्यादा उसको लिक्विड फॉर्म में, तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैंने अराउंड 1/2 ग्लास पानी यूज़ किया है इसके लिए। तो बस उसको अब पकने देंगे, लिड लगा के पका लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, हमारी ग्रेवी भी पक चुकी है। ये देखिए, अभी थोड़ा सा और हम पका लेते हैं 2 से 4 मिनट के लिए, लिड लगा के हम उसे पका लेंगे। 2 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारी ग्रेवी, ये देखो फाइनली पक चुकी है। ये देखिए हमारा रसा भी उसका, ग्रेवी का ठंड एकदम अच्छा सा नॉर्मल कंसिस्टेंसी आई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे कट किए हुए पनीर। अगर पनीर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा सौते करके भी डाल सकते हो, लाइक फ्राई करके भी उसको डाल सकते हो। आपको जैसा पसंद है पनीर, आप इस ग्रेवी में वैसे डालिए। ये देखिए हमारे पनीर और ग्रेवी कितनी अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, अब हम डाल देंगे 1 चम्मच या 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, जितने अभी पास अवेलेबल है। नॉर्मल फ्रेश क्रीम मतलब ना दूध के ऊपर की मलाई पे ही डालेंगे। ये देखिए हमारा पनीर बटर मसाला ग्रेवी रेडी हो चुकी है। आप चाहिए तो रोटी के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, या तो सबसे बेस्ट नान के साथ खाइए। नान के साथ इसको खाओगे तो एकदम लाइक होटल जैसा टेस्ट आएगा। टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग डिश है। बस अब इसको हम गार्निश करते हैं। ये देखिए हमारा पनीर बटर मसाला रेडी हो गया है। 7 से 10 मिनट लगे हैं, कितनी यम्मी डिलीशियस डिश। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।